हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जी के विद रिविजन में। आज अपने बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 13th and 31st मई के बारे में। फिर अपने बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, जो कि हमारे वंस अगेन आशु पवार जी, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले ये पर्सन हैं, ये बने हैं और ये कंटिन्यूसली जो है 4th टाइम यहाँ के स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बने हैं। जो लास्ट वीडियो के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी कुछ समय पहले तोकते नाम से जो चक्रवात आया था, उसका नाम किस कंट्री ने प्रोवाइड करवाया था, उससे उसका राइट आंसर होगा म्यांमार कंट्री के द्वारा। सो यही आंसर इनके द्वारा दिया गया और ये हमारे आज के जो स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे है वो बने हैं। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1st के बारे में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज़ी से चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किस महिला के द्वारा बनाया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा हांगकांग के रहने वाली तशांग यिंग चुंग के द्वारा पर्टिकुलर ये जो रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो नेपाल की फुंगजो झुंझुंग लामा के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं, सो ये जो तशांग यिंग हुंग है, इन्होंने पर्टिकुलर अपने बात करते हैं तो 26 हॉर्स का टाइम लिया था इसकी चढ़ाई करने के लिए, और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो अराउंड अपने कह सकते हैं कि 35 हॉर्स इनके द्वारा लिए गए थे। सो इनका ये जो रिकॉर्ड था वो अब इनके द्वारा तोड़ दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं, ये जो मिंगमा तेंजी शेरपा है, इनके द्वारा अभी कुछ समय पहले ये रिकॉर्ड बनाया गया था कि जो माउंट एवरेस्ट है इसके ऊपर कंटिन्यूसली 2 टाइम इनके द्वारा चढ़ाई की गई थी और इनके द्वारा जो टाइम लिया गया था वो 86 आवर्स का लिया गया था। फिर इसी तरह से बात करते हैं कामी रीता शेरपा की, सो इनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया है कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा बार चढ़ाई या उनको मापने का जो रिकॉर्ड है वो 25th टाइम इनके द्वारा किया गया है। सो कह सकते हैं कि 25 बार इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई है। अब जो अपने बात कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है बेसिकली इसकी हाइट कितनी है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मीटर और फिट इन दोनों के अंदर कितनी इसका है हाइट है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और अब यदि अपनी बात करते हैं, जो माउंट एवरेस्ट है बेसिकली वो नेपाल कंट्री और चाइना कंट्री दोनों के अंदर प्रेजेंट है, और यदि अपनी बात करते हैं नेपाल कंट्री के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डब्लिन साहित्यिक पुरस्कार 2021 जो अभी हाल ही में जीता वो किसके द्वारा जीता गया। सो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको कंट्री की रहने वाली वलेरिया लुशेली के द्वारा पर्टिकुलर ये जो अवार्ड है वो जीता गया, और इनको जो ये अवार्ड है इनके द्वारा जो इनका 5th नॉवेल है जिसको लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव नाम दिया गया है उसके लिए पर्टिकुलर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली है, मैक्सिको की रहने वाली है। सो आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैक्सिको कंट्री से रिलेटेड एक जो वुमन है वो काफ़ी फेमस हुई थी और चर्चा में रही थी, जो कि 69th नंबर की जो मिस यूनिवर्स है वो बनी थी और उनका नाम जो है वो एंड्रिया मेजा है। फिर बात करते हैं इंडिया की तरफ से मिस यूनिवर्स का जो खिताब हुआ था उसके अंदर एडलिना कैस्टलिनो ने पार्टिसिपेट किया और ये जो है इसके अंदर 4th नंबर पे रही थी। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि आश्रिता वी ओलेटी की बात करते हैं तो कर्नाटका की रहने वाली ये वुमन जो है भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। फिर बात करते हैं श्यामला गणेश की, सो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो भारतीय मूल की शिकागो यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है और इनको जो है अरब जगत का नोबेल पुरस्कार या फिर शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 15th नंबर का था। फिर अपने बात करते हैं कि यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
अभी हाल ही में किस संगठन ने युद्ध खेलो या फिर जो वॉर गेम्स होता है स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा नाटो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेसिकली इस वॉर गेम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मई मंथ से जून 2021 इन दोनों के जो मंथ है इनके बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो बात करें अपने सबसे पहले नाटो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पर्टिकुलर 4 अप्रैल 1949 को ये जो ट्रीटी बनाई गई थी, जिसके अंदर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट की हुई है, मतलब इन कंट्रीज़ के द्वारा ये बनाई गई है। प्रेजेंट टाइम के अंदर टोटल 30 कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि कोई एक्सटर्नल कंट्री इनमें से किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करती है तो उसके बचाव के लिए ये सभी कंट्री उससे लड़ाई या फाइट करेगी। फिर अपने बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और जो सेक्रेटरी जनरल अभी बने हुए हैं वो जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके बने हुए हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं, जैसे कि यूएन यूनाइटेड नेशन हुआ, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है और यूरोपियन यूनियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के जो राइटर है या फिर जो ऑथर है वो कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री जो है इस पुस्तक के ऑथर है, और इनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई इसके अंदर बताया गया है कि ये अपने जीवन के अंदर अभी तक ऐसे 60 या 60 प्लेयर्स से मिले थे जिनकी वजह से ये इंस्पायर्ड हुए थे। सो उन्हीं के बारे में इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। सो इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी है द प्लेइंग इट विद माई वे, सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो द सेंचुरी इज़ नॉट इनफ नाम से एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, और नीना गुप्ता जो कि एक टीवी एक्टर और टीवी प्रोड्यूसर और इंडियन एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इनके द्वारा सच कहूँ तो नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने बात करते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे जो कि आशु पवार है, जो कि कंटिन्यूसली फोर्थ टाइम या फोर्थ डे जो है वो ये हमारे स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे बने हैं। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना अभी स्टार्ट की गई है। सो ये जो योजना है बेसिकली स्टार्ट की गई वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? सो इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं युवा के बारे में, इसका जो फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यंग अपकमिंग वर्सटाइल एंड ऑथर्स नाम से ये जो इसका युवा का फुल फॉर्म है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो स्कीम है बेसिकली 30 ईयर से कम आयु के जो भी लेखक है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर उनको मेंटर प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम है बेसिकली स्टार्ट की गई है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है रमेश पोखरियाल जी के बारे में, सो ये हमारे देश के जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, और इनको अभी कुछ समय पहले डिफरेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि बात करते हैं इनको इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड से जो है मैक्सिफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया, इसी तरह से ब्रिटेन सरकार के द्वारा वैतन्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, और वतन शिखर सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो ये हमारे देश के रक्षा मंत्री है, और इनके द्वारा अभी हाल ही में जो अपने सैनिक सशस्त्र सैनिक बल के जो व्यक्ति हैं या जो सैनिक हैं उनकी सेहत के लिए सेहत ओपीडी स्टार्ट की गई है। इसी तरह से बात करते हैं अपने प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में जो कि हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं, और पीयूष गोयल जी जो कि हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर भी बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हर साल 29 मई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी एंड डी, ये
तीनों डे जो है बेसिकली इस दिन मनाए जाते हैं। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के बारे में। सो ये जो डे है बनाया गया है और इसकी जो थीम रखी गई ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडमिक नाम से इसकी थीम रखी गई है। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे की बात करते हैं तो इसी दिन जो 29 मई 1953 को पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की गई थी उन दोनों के नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। आप लोगों को मैं हिंट्स दे देता हूँ कि ये टोटल दो पर्सन थे, एक तो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और दूसरे नेपाल के रहने वाले थे। इन्हीं की याद के अंदर पर्टिकुलर ये जो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स जो डे है बेसिकली ये भी इस दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई है द रोड टू अ लास्टिंग पीस लिवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी रखी गई है। इसकी जो थीम है वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द रोड टू ए लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी नाम से जो इसकी थीम है वो रखी गई। फिर बात करते हैं 28 मई को जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जो कि एक एनजीओ के रूप में इंडिया के अंदर कार्य कर रहा था। इसके जितने भी कार्य थे वो भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिए गए। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेना की पहली महिला सचिव जो है अभी हाल ही में कौन बन गई है? सो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टिना वॉर्मोथ जो है बेसिकली यहाँ की पहली महिला सचिव बनी है और डिप्टी महिला सचिव जो है वो कैथरीन हिक्स यहाँ पर बनी हुई है। और डिफेंस सेक्रेटरी की बात करते हैं तो पहले एसवेद पर्सन ललोइड जो है वो यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी बने थे। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि जगजीत पावदिया की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वीना के अंदर प्रजेंट है, 1968 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सो उसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है भारत की तरफ से ये बनी और ओवरऑल यहाँ की दूसरी महिला अध्यक्ष ये बनी है। फिर बात करते हैं लॉरेंस देस्कार्स के बारे में। सो दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम या संग्रहालय जिसको अपने कह सकते हैं उसकी पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है जो कि फ्रांस पेरिस के अंदर प्रजेंट है। फिर बात कर रहे हैं अपने, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले शांति सैनिकों के नाम क्या है जो कि भारतीय हैं और इनको जो है मृत्यु उपरांत इस पदक से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है बेसिकली जो 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स बनाया गया था उसी के ऊपर ये अवार्ड जो है इनको प्रोवाइड करवाई गई। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल, जितने भी ये नाम दिए गए हैं इन सभी ने ये पीस कीपर अवार्ड जो है वो जीता है मेडल। सो सबसे पहले बात करते हैं मूलचंद यादव जी की जो कि अपने जो इराक का एरिया है वहाँ पर ये कार्य कर रहे थे। इवान माइकल पिकोडा की बात करते हैं तो ये नागरिक शांति का जो अभियान था उसके अंदर सम्मिलित थे। और युवराज सिंह की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो सूडान का एरिया है वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो एक टीम बनाई गई थी उसके ये मेंबर थे। सो ये था आज का वीडियो। अब अपने बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिविजन के बारे में। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 ऐसे किसे सम्मानित किया गया? सो इसरो के पूर्व चेयरमैन भारत रत्न अवार्डी CNR राव को इससे सम्मानित किया गया। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर जो है वो कर्नाटका की अशरिता वी ओलेटी बनी है। और केरला सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं के ऊपर जो किचन का कार्य बढ़ रहा था उसी को कम करने के लिए स्मार्ट किचन योजना जो है वो स्टार्ट की गई जिसके तहत वो वहाँ पर लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद चुने गए हैं जो कि फोर्थ टाइम वहाँ पर शपथ लेंगे। लोअर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो लॉरेंस देस्कार्स बनी हैं जो कि सबसे बड़े संग्रहालय दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय की ये महिला अध्यक्ष बनी हैं।
28 मई को जो है वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। INCB के अध्यक्ष के रूप में जगजीत पावदिया को चुना गया और जो है असम राज्य के द्वारा गार्जियंस मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। सो असम के अंदर टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट्स है और इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए टोटल 13 में जो मिनिस्टर्स है उनको गार्जियंस मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए थे आज के, उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे जो है हमारे आशु पंवार जी बने, जो कि राजस्थान राज्य के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।